हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य, और आज हम अपने एम एस चौहान बुक के क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे लेवल टू का क्वेश्चन थ्री, जो है एक मैचिंग टाइप प्रॉब्लम। क्वेश्चन थ्री में हमसे यहाँ पे ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं उन्होंने, और उसके करस्पॉन्डिंग हमें ये ऑप्शंस के रिगार्डिंग मैच करना है। तो एक एक करके हम सभी ऑप्शंस को एनालाइज करते जाएंगे। सबसे पहले ऑप्शन ए को अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ऑप्शन ए में हमसे क्या बोल रखा है कि ये कंपाउंड दे रखा है, उसका नेचर बताना है। क्या क्या नेचर में बताना, ध्यान से देख लीजिए। वो काइरल है या नहीं है, क्या वो मीजो कंपाउंड है, या उसके अंदर इवन नंबर ऑफ काइरल सेंटर प्रेजेंट है। यानी क्या क्या सोचना होगा, काइरल है कि नहीं, मीजो है कि नहीं, या इवन स्टीरियो सेंटर है कि नहीं है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, अगर इस कंपाउंड को ध्यान से देखें, तो ये वाला जो कार्बन है, ये कैसा कार्बन है, काइरल कार्बन है। ये वाला कार्बन भी कैसा, काइरल कार्बन है। क्या ये मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी POS या COS प्रेजेंट है, नहीं। अगर आप सोचोगे कि इस तरह से, तो ये कोई इसमें POS की तरह तो प्रेजेंट है नहीं। तो यानी मॉलिक्यूल में इवन स्टीरियो सेंटर हो गए, इवन नंबर ऑफ काइरल सेंटर हो गए, कोई POS COS नहीं है, तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा काइरल। तो एक का क्या क्या मैच हो जाएगा, एक तो काइरल हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ काइरल सेंटर, दो हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पी कॉमा एस आ जाएगा, ठीक है, पी कॉमा एस इसका आंसर आ जाएगा। फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसमें ध्यान से देखिए आप, इसमें ये वाला कार्बन काइरल हो जाएगा, ये कार्बन काइरल हो जाएगा, सिमिलरली ये कार्बन काइरल हो जाएगा, और ये कार्बन भी काइरल हो जाएगा। लेकिन इस पूरे सिस्टम को अगर आप ध्यान से देखिएगा, तो आप ये जो है, ये एक जो प्लेन इस तरह से है, ये किस तरह से वर्क कर रहा है, ये प्लेन यहाँ पे POS की तरह वर्क कर रहा है। तो ये कैसा वर्क कर रहा है, POS की तरह वर्क कर रहा है। तो यानी मॉलिक्यूल में इवन नंबर ऑफ काइरल सेंटर्स हैं, चार हो गए, तो इवन काइरल सेंटर्स हो गए, POS हो गया यानी एक काइरल हो गया। और अगर मॉलिक्यूल में दो या दो से ज़्यादा काइरल सेंटर प्रेजेंट हो विथ अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल को हम कहते हैं एक आपका है वो मीजो कंपाउंड। तो ये कैसा हो जाएगा, एक मीजो कंपाउंड, ठीक है। तो इसका क्या क्या आंसर हो जाएगा, पहले तो POS प्रेजेंट है तो एक काइरल हो गया, चार हैं तो कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ काइरल सेंटर हो गया, फिर ये मीजो कंपाउंड हो गया, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा काइरल कार्बन विद अ प्लेन ऑफ सिमेट्री इसका एग्जांपल होता है, एक मीजो कंपाउंड का एग्जांपल होता है। तो इसके लिए क्या क्या ऑप्शन आ जाएगा, क्यू आर और एस इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट ऑप्शंस को हम थोड़ा एनालाइज करते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है, अब ये इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बना रखा है, तो इस न्यूमैन प्रोजेक्शन को तुरंत हम फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि कैसे किसी न्यूमैन प्रोजेक्शन को फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो हम इसको तुरंत ही क्या करते हैं, फिशर प्रोजेक्शन में इसका कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे ये एच आ जाएगा, यहाँ पे ये OH, तो ये इस मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, एक फिशर प्रोजेक्शन बन जाएगा। अब आप देखो ध्यान से, यहाँ पे ये एक काइरल सेंटर है, ये एक काइरल सेंटर है, और मॉलिक्यूल में इस तरह से क्या प्रेजेंट है, एक POS भी प्रेजेंट है। तो दो काइरल सेंटर विद अ POS, मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, मीजो हो जाएगा, मीजो हो जाएगा तो एक काइरल हो जाएगा, और दो काइरल सेंटर है तो इवन नंबर ऑफ स्टीर काइरल सेंटर हो जाएंगे। तो इसका भी ऑप्शन क्या आ जाएगा, क्यू आर और एस, इसका भी ऑप्शन क्या आ जाएगा, क्यू आर और एस, मीजो है तो एक काइरल, तो ये दोनों हो गया, फिर ये हो जाएगा। अब इसी तरह से ये लास्ट है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसका तुरंत हम सबसे पहले क्या करेंगे, फिशर स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसको फिशर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ही फिशर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये एच OH और यहाँ पे आ जाएगा ये COH, फिर इस OH के 180 डिग्री में H, COH के 180 डिग्री में COH, और यहाँ पे आ जाएगा OH। तो इस तरह से हो जाएगा, इसका ये फिशर स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये कार्बन काइरल और ये कार्बन पायरल, लेकिन यहाँ पे ये वाली जो लाइन है, ये इस बार आपकी POS की तरह काम नहीं करी, क्योंकि यहाँ पे देखिए HOH आ जा रहा है इस तरह से। तो यानी इसमें दो काइरल सेंटर है, लेकिन कोई भी ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा काइरल, कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स। तो क्या क्या ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए, एक तो काइरल है और इसके अंदर ये है, तो डी का क्या क्या ऑप्शन हो जाएगा, डी का ऑप्शन हो जाएगा क्यू और सॉरी पी और एस इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे एम एस चौहान बुक के। अगर आपको किसी और क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन चाहिए, तो उसको आप कमेंट में मेंशन करें, उसका वीडियो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।